हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक क्विक रिव्यू देखेंगे। जो मैंने रिव्यू डिज़ाइन किया है ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। सो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई और नीट, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट से। व्हाट इज़ करंट? ठीक है, तो करंट हो गया आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट ये जो चार्ज है, ये चार्ज कैसा चार्ज है? ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो अगर एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन से अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट करंट कैसा होगा? अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तब इक्विवेलेंट करंट कैसा होगा, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब करंट का जो जनरल फॉर्मूला है वो तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया, बट एवरेज करंट उसको कैलकुलेट करने के लिए आई एवरेज इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस करंट इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपका जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो जैसा ही है। ठीक है, तो इसके बेस न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। फिर स्टेडी करंट और वेरिएबल करंट में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी करंट, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल करंट? बेसिकली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें हम लोग स्टेडी करंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट आया ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ में बेसिक फॉर्म जो V इक्वल टू आर आई हो गया, ये स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। E इक्वल टू रो जे, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। यहाँ पे J करंट डेंसिटी है, E स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर R प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब R इक्वल टू रो L बाई A जो होता है रिलेशन, उसका डेरिवेशन। ठीक है, अब उसके डेरिवेशन तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बट ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, R कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, R कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा, R कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होगा, R कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, फिर लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ और इसमें जो आपके जो ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ और लिमिटेशन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे जो माइनस साइन आता है, इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन एन ई स्क्वायर टाओ बाई एम, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा एम बाई एन ई स्क्वायर टाओ, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर में किन किन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर्स में किन किन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसका एक्सप्लेनेशन ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, फिर मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का जो ये फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वी डी बाई ई, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, मोबिलिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गए हम लोग टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स आपके दो टाइप के हैं, कार्बन रेजिस्टर्स एंड वायर बाउंड रेजिस्टर्स। तो वायर बाउंड रेजिस्टर्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कार्बन रेजिस्टर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर कलर कोड, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कलर कोड दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर जेई मेन में ये क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट चार या पांच बार ये क्वेश्चन अलग अलग पेपर में पूछा गया था। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, देन कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सो हाउ डज रेजिस्टिविटी वेरीज विथ टेम्परेचर? ठीक है, कंडक्टर्स में कैसा होता है, सेमीकंडक्टर्स में कैसा होता है, एलॉयज में कैसा होता है, इससे रिलेटेड ग्राफ्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो आप ग्राफ देख लीजिएगा। ठीक है, तो ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन कमिंग टू द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स सीरीज में है, पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस आपके सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें क्वेश्चंस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं, या फिर आपको मतलब एक पर्टिकुलर रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है या करंट कितना है। ठीक है, तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सीरीज में क्या होता है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पोटेंशियल, और पैरेलल में देयर इज अ डिवीजन ऑफ करंट। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स, ईएमएफ, ई है, दिस इज ईएमएफ, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये टर्म्स इंडिविजुअली इन टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है,
EMF का क्या मीनिंग है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीनिंग है, इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है, तो EVR इनका रिलेशन आपस में क्या रिलेशन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग, ठीक है। आपके NCERT में जो दिया हुआ है वो डिस्चार्जिंग का रिलेशन है। अच्छा, फिर आ गया ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, तीन टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग है। तो इन ईच ग्रुपिंग आपको पढ़ना है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या होगा, ठीक है। इवन फॉर अ सेल ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या होगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर क्या होगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट JEE के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ गया इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर डिसिपेशन अक्रॉस रजिस्टर, अगर सीरीज में है तो पावर डिसिपेशन कैसा होगा, अगर पैरेलल में है तो पावर डिसिपेशन कैसा होगा, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आ गया किरचॉफ रूल, तो किरचॉफ रूल दो रूल है, एक हो गया आपका जंक्शन रूल, एक हो गया आपका लूप रूल। जंक्शन रूल फॉलोज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लूप रूल फॉलोज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है। फिर बेसिकली यहाँ पे देखिए रूल तो आपको पता होना चाहिए और उसके एक्सप्लेनेशन जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ लिया, बट इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि किरचॉफ रूल को यूज़ करके आपको सर्किट सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आपके NCERT में एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट स्केलेटल क्यूब का एक क्वेश्चन जो है आपके NCERT में एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल, वो आप देखिएगा। और पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी यूजिंग किरचॉफ रूल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। फिर आ गया लास्ट टॉपिक डिवाइसेस, ठीक है। तो डिवाइसेस हर चैप्टर में जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपको पढ़ने ही हैं, डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन तो श्योर शॉट एक आना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बेसिकली डिवाइसेस क्या क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, अब व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आपका हो गया मीटर ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल इज व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर मीटर ब्रिज का वर्किंग क्या है, फिर मीटर ब्रिज में सेंसिटिविटी कब ज़्यादा होता है, मतलब कब मीटर ब्रिज एक मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मीटर ब्रिज में जो वायर यूज़ करते हैं मैग्नेटिन वायर, अब वही वायर वो पर्टिकुलर वायर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर हम लोग वोल्ट मीटर की जगह पे हम लोग पोटेंशियोमीटर क्यों प्रीफर करते हैं, ठीक है। फिर पोटेंशियोमीटर के जो तो एप्लीकेशन है, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ सेल्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशन भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स ऑन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसके अलावा NCERT में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। होप दिस वीडियो बेनिफिट्स यू इन योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंसेस। माय बेस्ट विशेस टू यू, गुड लक।